हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शारुबाई आर्ट स्टडी। तो साथियों, हम जो यूथ कंपटीशन की बुक सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारी ये न्यू बुक है, जो 2023 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं कला से संबंधित, उसके बारे में हम इसको सॉल्व करेंगे आज, जो 2023 तक के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इससे पहले की जो वीडियो है, जो क्वेश्चन है, वो मैं पहली वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, और आगे के जो ये वीडियो है मैं आज आपको बता रही हूँ। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। जो पुरापाषाण काल के दौरान जो बने भीमबेटका के चित्र हैं, कैसे हैं? हाथी, जंगली सांड और बाघ के हैं, भाले के साथ शिकार करते हुए मानव के हैं, मेंढक और सांप के हैं, जेब्रा और बकरी के हैं। तो जो पुरापाषाण काल के दौरान भीमबेटका के चित्र बने हैं, वो कैसे बने हैं? हाथी के, जंगली सांड के और बाघ के ये चित्र यहाँ पर पाए गए हैं। कहाँ पर? भीमबेटका में। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पुरापाषाण काल के दौरान भीमबेटका गुफा में जो चित्र बने हुए हैं, हाथी, जंगली सांड और बाघ के हैं। भीमबेटका में जो पहर के कितने स्तर के चित्र पाए गए हैं? तो भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं वहाँ पर दो स्तर के चित्र पाए गए हैं। पहले स्तर में क्या है? शिकार नृत्य है, हिरण है, बारहसिंगा है, सुअर है, रीछ है, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी और अस्त्रधारी घुड़सवारों के यहाँ पर चित्र पाए गए हैं। आगे हैं कि जो भीमबेटका गुफा है उसमें दूसरे स्तर में चित्रों में क्या दिखाया गया है? तो मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। मानव ने खेती और पशुपालन के तरीके समझ लिए थे और आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि का यहाँ पर चित्रण किया गया है। कहाँ पर? भीमबेटका गुफा में। अब जो भीमबेटका की गुफा है, वो यहाँ से जो सामग्री प्राप्त हुई है वो किस समय की है? तो जो भीमबेटका की गुफा है ये पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों काल की है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वो माना जाएगा, वो मध्यपाषाण काल ही माना जाएगा। तो यहाँ पर जो सामग्री प्राप्त हुई है वो 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व की यहाँ पर सामग्री प्राप्त हुई है। भीमबेटका में लगभग कितनी गुफाएं हैं? 600 गुफाएं मिली हैं। कितनी मिली हैं? 600 गुफाएं मिली हैं, जिसमें 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं या चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो भीमबेटका की गुफा है, जो एनसीईआरटी के अनुसार बताए गए हैं, एनसीईआरटी के अनुसार जो भीमबेटका की गुफा बताई गई हैं, यहाँ पर कुल 800 गुफाएं बताई गई हैं। कितनी गुफाएं बताई गई हैं? 800 गुफाएं बताई गई हैं, जिसमें 500 गुफाओं में यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं। किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार। लेकिन जो एग्जैक्ट यहाँ पर आंसर माना जाता है, वो जो टीजीटी एग्ज़ाम या पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो 600 गुफाएं मानी गई हैं, जिसमें 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। लेकिन आपके लिए मैंने ये आपको बता दिया है कि एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पर इतनी गुफाएं मानी गई हैं और इतनी गुफाओं में यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं। तो आगे क्वेश्चन है कि पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ पर स्थित है? जो पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र है रायगढ़, कहाँ पर स्थित है? बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? तो जो रायगढ़ है ये क्या है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। मैं आपको बता दूं, जो रायगढ़ था पहले पूर्व में कहाँ पर था? ये मध्य प्रदेश का एक जनपद था। कहाँ का? मध्य प्रदेश का ये एक जनपद था, लेकिन जब उसका विभाजन हो गया तो यह छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आ गया। रायगढ़ में कौन सी गुफाएं पाई गई हैं? तो ये सिंघनपुर रायगढ़ में ही स्थित है। सिंघनपुर से भी रायगढ़ जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए एक ऐसा केंद्र माना जाता है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक ध्यान से पढ़ना है। चलिए हम आगे देखते हैं कि रायगढ़ जो है पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य का क्या है? एक प्रमुख जनपद है। पहले ये कहाँ था? यह मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद था। जो रायगढ़ में स्थित गुफा है कौन कौन सी हैं? बोतालदा गुफा है, जहाँ पर हिरण, छिपकली, जंगली भैंसे का शिकार करते मानव आकृतियाँ नाचते, युद्ध करते और पालतू पशुओं के सजीव यहाँ पर बने हुए हैं। ये जो चित्र हैं गेरू, रामरज जैसे भूरे रंगों से बने हुए हैं। और जो रायगढ़ रियासत है ये माठ नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? माठ नदी के किनारे। देखिए मैं आपको बता दूँ, जो रायगढ़ है, रायगढ़ में सिंघनपुर है, सिंघनपुर जो है रायगढ़ में स्थित है।
कहाँ पर है? सिंघनपुर रायगढ़ में स्थित है, माठ नदी के किनारे है। यहाँ पर सिंघनपुर से 50 गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जिनमें चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त हुए हैं कहाँ पर? सिंघनपुर में, तो वो हैं असंयत कंगारुओं के चित्र। असंयत कंगारुओं के चित्र जो है सिंघनपुर के प्रवेश द्वार पर पाए गए हैं। जो सिंघनपुर का गेट है वहाँ पर ये चित्र पाए गए हैं। और कौन कौन से चित्र यहाँ पाए गए हैं? घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, भैंसा, सांड और सूंड उठाए हाथी, खरगोश जंगली सांड को पकड़ते हुए। देखिए, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जंगली सांड को पकड़ते हुए जो चित्र पाया गया है ये कहाँ से पाया गया है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सिंघनपुर से ही पाया गया है। एक ये है कि बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य और घायल भैंसा बुरी तरह, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से बिंधा हुआ दम तोड़ रहा है, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंघनपुर से ये चित्र प्राप्त हुए हैं। अब आगे है जो सिंघनपुर के जो रायगढ़ जिला है वहाँ पर जो चित्र कौन कौन सी गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जो प्रमुख स्थान हैं कौन कौन से हैं? कबरा पहाड़ है, कबरा पहाड़ कहें या पर्वत कहें, तो करमागढ़ है, खैरपुर है, बोतालदा है, यहाँ पर अनेक शिलाश्रय गुफाएं ये प्राप्त हुई हैं। आगे है कि भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसे कहा जाता है? सर जॉन मार्शल को कहा जाता है, स्टेला क्रैम्बिस को, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को या के एन दीक्षित को? तो जो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना थी वो किसने 1861 ईस्वी में कब की गई थी? 1861 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1861 ईस्वी में। और जो इसका मुख्यालय है कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम इसके जनक हैं। आपको ये ध्यान याद कर लेना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है और इसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है ना? तो देखिए ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है और कितनी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि केवीएस के एग्जाम में भी ये आया हुआ है, टीजीटी में भी, यूजीसी में भी आया हुआ है और डाइट प्रवक्ता में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। आगे देखते हैं कि तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में या ताम्रपाषाण काल में? तो जो तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार थे वो नवपाषाण काल में ही क्या है? प्रयोग किए गए थे। कहाँ किए गए थे? नवपाषाण काल में। आगे देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगी, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ही आपको मैं बताती जाऊँगी। तो जो तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार थे वो नवपाषाण काल में ही प्रयोग किए गए थे। नवपाषाण काल युग का जो मानव था वो पॉलिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करता था। यहाँ पर जो सर्वाधिक जो प्रयोग किए जाने वाला औजार था कौन सा था? वो थी पत्थर की कुल्हाड़ी। पत्थर की कुल्हाड़ी, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि नवपाषाण कालीन मानव ने सर्वाधिक किस औजार का प्रयोग किया है? तो वह पत्थर की कुल्हाड़ी का, पत्थर की बनी जो कुल्हाड़ी होती है उसका यहाँ नवपाषाण कालीन मानव ने प्रयोग किया था। वह पॉलिश लगाने की कला का आरंभ भी कहाँ से हुआ था? नवपाषाण काल से ही हुआ था। आगे है मध्य प्रदेश की गुफाएं। मध्य प्रदेश की गुफाएं, देखिए मैं आपको बता दूं जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत गुफाएं हैं कौन कौन सी हैं। होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, होशंगाबाद पंचमढ़ी, भीमबेटका और ये जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं, तो हमें इनको ध्यान से देखना है। चलिए हम देखते हैं जो भीमबेटका की गुफाएं हैं किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन ये कैसे पूछा गया है और कितने डीप में जाकर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमको यहाँ से कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं छोड़नी हैं जो इस टॉपिक से हमारी कुछ भी चीज़ें छूटे। तो देखते हैं कि ये भोपाल के समीप है या कर्छा के समीप है या देवास या ओबेदुल्लागंज। तो जो भीमबेटका की गुफाएँ हैं ये
ओबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के समीप है। कहाँ पर है? ओबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के समीप है। और ये जो गुफाएं हैं भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में है। आगे देखते हैं कि जो कहाँ पर है, ये भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में है और भीमबेटका नामक पहाड़ी पर है। और होशंगाबाद से जो भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन है उस पर ओबेदुल्लागंज स्टेशन के ये समीप है। मैंने आपको बताया है कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, यहाँ से 600 गुफाएं मिली हैं जिसमें 275 गुफाओं में चित्र मिले हैं। और जो NCERT के अनुसार हैं वो क्या है, 800 गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं, 800 गुफाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें 500 गुफाओं में यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं। और भीमबेटका के जो गुफा के चित्र हैं वो दो स्तर में मिले हैं, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और आपको ये टॉपिक है जो ये महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ पर स्टार लगा दे रही हूँ कि जो भीमबेटका की गुफा है उसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, तो 2003 ईस्वी को यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। आगे है कि भीमबेटका के पाषाण शैलाश्रय 1957 में किसके द्वारा खोजे गए थे, अलेक्जेंडर कन्निंघम या जेरोम जैकबसन या वीएन मिश्र या वीएस वाकड़कर। तो जो भीमबेटका की गुफा है उसकी जो खोज की गई थी 1957 या तो 1957 या 1958, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। 1957 हो तो 1957 सही लगाएंगे, अगर 1958 हो तो 1958 सही आंसर लगाएंगे। तो किसके द्वारा की गई थी, तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा ये खोज की गई थी। देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में भी कि 1957-58 में इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा, विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। विष्णु श्रीधर वाकड़कर कौन थे, तो ये उज्जैन विश्वविद्यालय के क्या थे, ये प्रोफेसर थे। आगे देखिए वही सब दिया हुआ है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था, इसलिए हम, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि जो भीमबेटका गुफा है इसे रॉक शेल्टर के नाम से भी जाना जाता है, या जू रॉक शेल्टर से जू रॉक शेल्टर के नाम से भी जाना जाता है, जू रॉक शेल्टर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र, मूर्ति शिल्प, फ्रेस्को चित्र या तीनों प्रकार के चित्र। तो जो भीमबेटका से चित्र प्राप्त हुए हैं वो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, या इन्हें गुहा चित्र भी कह सकते हैं हम। आगे है, आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन नहीं देखेंगे क्योंकि सभी चीज़ें सेम यहाँ पर दी हुई हैं रिपीट कर करके, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता रही हूँ कि जो भीमबेटका के जो चित्र हैं वो मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों के प्राप्त हुए हैं, जो कि जिसका समय 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व इनका समय है। अगर एग्जैक्ट उत्तर माना जाएगा तो जो भीमबेटका के चित्र हैं वो जो हैं मध्य पाषाण काल के बने हुए हैं। कब के बने हुए हैं, मध्य पाषाण काल के। जो भीमबेटका गुफा की खोज है वो 1958 में की गई थी। देखिए ऊपर आपको दिया हुआ है कि 1957, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट उत्तर है वो क्या है, 1958 है। अगर आपको 1958 ऑप्शन में नहीं दिया जाए, कि पूछ लिया जाए कि भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज कब की गई, 1957, 1958 या 1968 या 1961, तो हमें आपको इस स्थिति में 1957 भी दिया हुआ हो या 1958 भी दिया हुआ हो तो उसमें 1958 लगाएंगे। अगर आपको 1958 उसमें नहीं मिलता है तो 1957 हम सही आंसर लगा देंगे, ठीक है ना। अब आपको देख लेना है कि पंचमढ़ी की गुफाएं हैं किससे जुड़ी हैं, डैश से जुड़ी हैं, राम, बुद्ध, शिव, पांडव। तो जो पंचमढ़ी की गुफाएं हैं किससे जुड़ी हैं, पांडवों से जुड़ी हैं। पांडवों से क्यों जुड़ी हैं, क्योंकि इन्हें पंच पांडव के नाम से जाना जाता था। ये गुफाएं जो थी पांडवों के द्वारा ये निर्मित की गई थी। आगे है, पंचमढ़ी गुफाओं के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो पंचमढ़ी गुफा के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय DH गार्डन को जाता है। DH गार्डन ने पंचमढ़ी के चित्रों को कब खोजा था, तो 1936 ईस्वी में खोजा था। कब खोजा था, 1936 ईस्वी में। लेकिन मैं आपको बता दूं तो पंचमढ़ी चित्रों की खोज थी सबसे पहले GR हंटर ने की थी। किसने की थी, GR हंटर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1932 ईस्वी में की गई थी, 1932 ईस्वी में।
लेकिन जो ये चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय था वो किसको था, डीएच गार्डन को ही था। यहाँ के जो चित्र हैं, चित्रों के संबंध में रेखा चित्र, फलक चित्र सहित एक विशद लेख भी यहाँ से प्रकाशित किया गया है। इस चित्र को पंचमढ़ी संभवतः इसलिए कहा जाता है कि लोक विश्व के अनुसार यहाँ पांडवों ने क्या किया था, 5 गुफाओं में निवास किया था, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, पंच पांडव की गुफा इसे कहा गया है। यहीं पर क्या है, महादेव पर्वत है जिसके चारों ओर अवस्थित इमली खो है। गुफा में सांभर के आखेट का दृश्य देखिए, आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सांभर के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। और भांडा देव गुफा यहाँ पर स्थित है, शेर के आखेट का दृश्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। अब आता है कि पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी, बॉडरिक ने, पिगवट ने, डीएच गार्डन ने या ईडब्ल्यू एंडरसन ने। तो आपको अभी मैंने बताया है कि जो पंचमढ़ी के चित्रों की खोज की थी वो डीएच गार्डन ने की थी। कब की थी, 1936 ईस्वी में। आगे देखते हैं कि जो पंचमढ़ी है यहाँ पर किस कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो महादेव पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर जो है कितनी गुफाएं पाई गई हैं, तो यहाँ पर 50 गुफाएं पाई गई हैं और जो कि 5 मील के घेरे में हैं। आगे है कि जो सभी गुफाएं हैं प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आती हैं। आगे डिस्क्रिप्शन में वही दिया हुआ है, आगे हम क्वेश्चन ही देखेंगे कि प्रागैतिहासिक चित्र भारत के कहाँ पाए गए, सांची में, भीमबेटका में, अयोध्या में या औरंगाबाद में। तो जो आपको पता है कि जो भीमबेटका है एक प्रागैतिहासिक चित्रकला का प्रमुख केंद्र है, तो ये भीमबेटका आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए डिस्क्रिप्शन को हम स्किप करते चलेंगे क्योंकि यहाँ पर रिपीट ही किया गया है। अब मैं क्वेश्चन, भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी हैं, भीमबेटका, बेलूर, सांची या महाबलीपुरम। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला है वो भीमबेटका में ही पाई गई है, तो भीमबेटका इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से वही रिपीट क्या हुआ है कि भीमबेटका गुफा की खोज 1957-58 में और उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। जो भीमबेटका की गुफा है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है और भोपाल से यह 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, 275 गुफाओं में यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन कि जो भीमबेटका गुफा है उसकी खोज किसने की थी। तो आपको पता है, देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है और किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो भीमबेटका की गुफा है उसकी खोज किसने की थी, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। आगे है सिंघनपुर स्थान किस लिए प्रसिद्ध है, सिंघनपुर स्थान जो है किस लिए प्रसिद्ध है, ये मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है या प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए या मूर्तिकला के लिए या म्यूरल के लिए। तो जो सिंघनपुर है, आप सभी जानते हैं कि जो सिंघनपुर है प्रागैतिहासिक कला का केंद्र है, तो यह प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए ही एक प्रसिद्ध स्थान है। आगे देखते हैं कि सिंघनपुर जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। और सिंघनपुर की खोज कब हुई थी, तो 1910 में किसने की थी, ईडब्ल्यू एंडरसन ने। और उसके बाद 1913 में अमरनाथ दत्त ने। देखिए ये जो प्रागैतिहासिक काल के जितने भी आप केंद्र हैं आपको बिल्कुल ही रट लेना है, समझ लेना है अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार रिपीट किए जाते हैं, आपको ध्यान से देखना है। तो ये 1913 में अमरनाथ दत्त ने और 1917 में पर्सी ब्राउन ने यहाँ के चित्रों को खोजा था। आगे है कि जो सिंघनपुर है ये कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है पहले तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, लेकिन अब जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत में, कहाँ पर, रायगढ़ जिले में, और माठ नदी के किनारे। पूछ लिया जाता है कि सिंघनपुर किस नदी के किनारे है, तो यह माठ नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में जो सिंघनपुर है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है, जैसा अभी आपको मैंने बताया है। और सिंघनपुर से 50 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर जो है असंख्य कंगारुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं जो सिंघनपुर के प्रवेश द्वार पर पाए गए हैं। आगे है कि यहाँ पर जो एक सुरंगनुमा गुफा है जिसमें पशुओं का अंकन बहुतायत से हुआ है, जिसमें घोड़ा है, भारत सिंघा, सूंड उठाए हाथी, यहीं पर एक गुफा की दीवार पर है जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहारी
ड्रेस से हैं। देखिए अब है आगे क्वेश्चन है कि मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ है। यहाँ पर पूरा नहीं दे रखा है कि मरता हुआ भैंसा है और तीरों से बिंधा हुआ है, तो ये जो चित्र प्राप्त हुआ है कहाँ से प्राप्त हुआ है, मिर्जापुर से, होशंगाबाद से, सिंघनपुर से या भीमबेटका से। तो ये जो घायल भैंसा है ये जो चित्र प्राप्त हुआ है सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। यहाँ के जो चित्र प्राप्त हुए हैं आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली यहाँ से पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना है, आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में इनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं ज़रूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से, हर एक गुफा से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर वही रिपीट किया हुआ है, आगे हम स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी। अब सिंघनपुर ख़त्म हो गया, सिंघनपुर के बाद आ गया होशंगाबाद। होशंगाबाद का क्या है, होशंगाबाद जो है ये भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही ये भी आता है। और जो सिंघनपुर की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, वाकणकर के, रविन्द्रनाथ विस्ट के, या मनोरंजन घोष के, या कन्नीगम के। तो जो सिंघनपुर है होशंगाबाद है, होशंगाबाद की जो खोज की गई थी चित्रों की वो मनोरंजन घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, मनोरंजन घोष के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1922 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1922 ईस्वी में। जो होशंगाबाद है यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी है, यहाँ पर नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है। और यहाँ से जो शिलास्त्र प्राप्त हुए हैं वो 12 प्राप्त हुए हैं, तो आपको ये देख लेना है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, और जो इससे आगे के क्वेश्चन हैं जो प्रागैतिहासिक काल के केंद्र हैं वो अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करने हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं इससे आगे के क्वेश्चन हमारे लिए लेकर आई है, क्योंकि मैं यूथ की बुक है आपको सॉल्व करा रही हूँ, जो कि न्यू बुक है और जो 2023 के एग्ज़ाम तक के यहाँ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन अगर वीडियो अपलोड हो तो आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।